गाइस गाइस गाइस, पिछले वीडियो में आपने देखा कि सिंचन और चिंटू रात को 3 बजे ट्यूशन से आ रहे थे। तभी चिंटू को एक चुड़ैल किडनैप करके लेकर के चली जाती है। सिंचन भागता भागता फ्रैंकलिन के पास पहुंचता है और गाइस फिर दोनों निकल जाते हैं चुड़ैल के पास चिंटू को बचाने के लिए। इसके बाद फ्रैंकलिन चुड़ैल के टायरों का पीछा करते हुए चुड़ैल के अड्डे पर पहुंचता है और गाइस वहां उसे पता चलता है कि चिंटू को चुड़ैल जिंदा जलाने वाली है। इसके बाद फ्रैंकलिन और सिंचन चिंटू को छुड़ा करके वहाँ से भागने लगते हैं। तीनों जान बचाकर घर पहुँच जाते हैं पर वहाँ पे उन्हें कहीं पर भी चौक नहीं दिखता और उसके बाद जो उन्हें दिखता है उससे उनकी रूह कांप जाती है। वो चुड़ैल पहले से यहाँ पर आ चुकी थी और वो चौक का खून पी रही थी। ये देख करके तीनों घर से भागने लगते हैं। गाइस सिंचन चिंटू और फ्रैंकलिन का आखिर होगा क्या? क्या ये तीनों चुड़ैल के हाथों से बच पाएंगे? देखिए इस पार्ट में। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अरे यार सिंचन भाग यार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फंस गए हम लोग। भाई साहब वो चुड़ैल तो हमारे पीछे हमारे घर तक आ चुकी है। अरे फ्रैंकलिन भैया, मुझे तो लग रहा हुआ हमारा खून पी करके ही मानेगी। अरे डरा नहीं यार चिंटू, इसी तरह बहुत ज्यादा डर लग रहा है मुझे। भाई साहब एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं भाई पहाड़ी वाले बाबा के पास में। यार अब वही हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं। अरे हाँ चलो चलो फ्रैंकलिन भैया, जल्दी करो भाई साहब वो हमारे पीछे ना आ जाए। अरे फ्रैंकलिन भैया पर बाबा जी मिलेंगे कहाँ हमें? अरे यार सिंचन वो काली पहाड़ी पे ना यार कुछ तंत्र मंत्र करते रहते हैं, तो अपने को ना जल्दी से काली पहाड़ी जानी पड़ेगी। अरे फ्रैंकलिन भैया कौन है जो मुझे पुकार रहा है? अरे फ्रैंकलिन भैया मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। सिंचन और चिंटू तुम लोग डरो नहीं, तुम लोग एक काम करो, तुम लोग यहीं पे रुको, मैं देख करके आता हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया क्यों मरना चाहते हो, अकेले ना जाओ ना। अरे सिंचन तू टेंशन ना ले यार, मैं देख लूंगा कौन है। ओ भाई साहब कोई तो आ रहा वहाँ पर। सिंचन तुम लोग हिलना नहीं, मैं भी जाता हूँ और देख करके आता हूँ कि पुकार क्यों रही है तेरे को। और गाइस इसके बाद फ्रैंकलिन चला जाता है आवाज की तरफ, पर उसे क्या पता था ये आवाज किसी इंसान की नहीं है और जो अब देखने वाला है वो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अरे फ्रैंकलिन भैया जिंदा लौट के आना। अरे हाँ यार सिंचन तू टेंशन ना ले। भाई साहब देखूं तो मैं भी कि कौन है भाई जो बच्चों को डरा रहा है। अरे यार ये तो वही चुड़ैल है। सिंचन चिंटू भागो यार, ये चुड़ैल हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। अरे फ्रैंकलिन भैया मारे गए, हमें तो आगे ही जाना है। अरे कोई नहीं यार, तुम लोग गाड़ी में बैठो, बहुत सारे रास्ते हैं, मैं शॉर्टकट ले लूंगा। हे भगवान मुझे बचा ले, मैं फ्रैंकलिन भैया के पैसों से 4 लड्डू चढ़ाऊंगा। गाइस फ्रैंकलिन को लगता था वो चुड़ैल के हाथों से बच सकता है, पर उसे तो पता ही नहीं था कि चुड़ैल उसके साथ खेल खेल रही है। फ्रैंकलिन ने जैसे दूसरा रास्ता लिया अचानक से बारिश शुरू हो गई। अरे फ्रैंकलिन भैया अचानक से बारिश कैसे शुरू हो गई? अरे मुझे क्या पता सिंचन, आज तो मौसम भी साफ था। भाई साहब इतनी जल्दी बारिश कहाँ से आ गई? अरे सिंचन मुझे क्या लग रहा है ना, ये चुड़ैल कलवा ली है। फ्रैंकलिन को लगता था वो चुड़ैल के हाथों से बच गई, पर ये क्या गाइस, वो तो वहीं पर आ गए जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। अरे फ्रैंकलिन भैया ये कहाँ लेकर के आ गए, यहीं से तो हमने स्टार्ट किया था। अरे यार ये चुड़ैल हमारे साथ गेम खेल रही है यार, मेरे को बार बार उसी जगह पे लेकर के आ रही है। भगवान बहुत बुरे फंसे यार हम लोग। मैं दूसरा रास्ता लेता हूँ भाई साहब, मुझे जल्दी से पहुँचना पड़ेगा काली पहाड़ी वाले बाबा के पास। अरे फ्रैंकलिन भैया मुझे क्या लगता है ना, चुड़ैल ने हमारा पीछा छोड़ दिया। अरे हाँ यार सिंचन मुझे भी चुड़ैल नहीं दिख रही है, लग रहा वो पीछे ही छूट गई। अब जल्दी से चलते हैं भाई बाबा जी के पास क्योंकि वही उपाय बताएंगे। सिंचन और फ्रैंकलिन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे, उनको लग रहा था कि चुड़ैल से उनका पीछा छूटा। बट गाइस ये खुशी कुछ ही देर में खत्म हो जाती है क्योंकि उसके बाद उनको कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देख करके उनको अपनी आंखों पे भरोसा नहीं रहता। अरे फ्रैंकलिन भैया ये क्या है, तो गाड़ी में से खून निकल रही है। अरे हाँ यार चिंटू, भाई साहब ये क्या हो रहा है? सिंचन और चिंटू तुम लोग दोनों यहीं रुको, मैं देख करके आता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया मैं भी आपके साथ आऊंगा, मुझे ज्यादा डर लग रहा है। अरे यार ये चुड़ैल के बच्चे यहाँ तक आ गए, चिंटू सिंचन भागो यहाँ से। अरे फ्रैंकलिन भैया मैं नहीं बचने वाला, मेरी जान खतरे में है। सिंचन तू डरने कुछ नहीं होगा तुझे, बस हमें किसी भी तरह करके काली पहाड़ी वाले बाबा के पास पहुँचना होगा क्योंकि अब बस वही है जो हमें इस चुड़ैल के हाथों से बचा सकते हैं। और गाइस कुछ ही देर के बाद फ्रैंकलिन सिंचन और चिंटू जंगल के रास्ते से होते हुए काली पहाड़ी पहुँच जाते हैं। चिंटू और सिंचन तुम लोग दोनों यहीं पे रुको, मैं बाबा जी से मिल करके आता हूँ।
अरे फ्रैंकलिन भैया मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मैं भी चलूंगा आपके साथ। अरे यार सिंचन, चिंटू तो है ना तेरे साथ। अरे ये अगर भूत बन गया तो मैं क्या करूंगा। नहीं नहीं मैं भी चलूंगा आपके साथ। अच्छा ठीक है यार, सिंचन और चिंटू दोनों मेरे साथ चलो। अरे यार कितनी डरावनी रात है, उस पर से यार ये बाबा जी की गुफा हमेशा डरा देती है। भाई साहब अभी भी बाबा जी बैठे हुए हैं। अरे बाबा जी बचा लो यार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फंस गए हम लोग सब। अरे बच्चे मुझे सब पता है कि तू यहाँ पर क्यों आया है और तेरे पीछे कौन पड़ा है। अरे वो कैसे बाबा जी, मैंने तो आपको अभी तक कुछ बताया ही नहीं है। अरे मूर्ख, मैं अंतर्यामी हूँ, मुझे सब कुछ पता है। अब जल्दी से तू मुझे अपने घर ले चल, मुझे वहाँ पर हवन करना होगा। और गाइस इसके पास सिंचन, चिंटू और फ्रैंकलिन बाबा को लेकर के अपने घर जाते हैं, पर क्या बाबा उस चुड़ैल को भगा पाएंगे, देखिए अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।